हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को वाच पढ़ाऊंगी। इसको ध्यान से सुनिएगा। वाच क्रिया का वह रूप है जो यह बताता है कि क्रिया व्यापार का मूल संचालक करता है अथवा कर्म अथवा इस बात की ओर संकेत करता है कि कर्ता को करने में समर्थ है अथवा नहीं। इस प्रकार वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता के आधार पर हिंदी में सामान्यतः वाच्य के तीन भेद माने जाते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य, इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है तथा क्रिया के लिए वचन भी कर्ता के अनुसार ही होता है। इस प्रकार जिस प्रयोग में क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे दर्जी कपड़े सी रहा है, मीरा खाना खा रही है, मैं पत्र पढ़ता हूँ। इन वाक्यों में क्रिया का संबंध मीरा, रवि और मैं से है, इसलिए इसे कर्तृवाच्य या कर्तरी प्रयोग कहा जाएगा। दूसरा है कर्मवाच्य, इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। कर्मवाच्य, इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। कर्म की प्रधानता वाले इन वाक्यों में कर्म स्थिति में होता है और रूप कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है। कर्म के अंग, वचन और पुरुष के आधार पर क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है। इसकी मुख्य क्रिया कर्मक होती है। द्वारा कहानी सुनाई जाती थी, रेड़ों से भोजन किया जाता है, मजदूरों द्वारा दीवार तोड़ी गई, रेड़ू द्वारा दरवाज़ा खोला गया। यहाँ क्रिया का संबंध कर्म यानी भोजन तथा कहानी से है, इसलिए इसे कर्मवाच्य या कर्मणि प्रयोग कहा जाता है। तीसरा है भाववाच्य, इसमें क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से न होकर भाव से होता है। इसमें क्रिया के पुरुष, वचन और लिंग कर्ता अथवा कर्म के अनुसार न होकर हमेशा अन्य पुरुष, पुलिंग, एक वचन में ही रहते हैं। इसमें मुख्य रूप से अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। साथ ही प्रायः निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य कहलाते हैं। जैसे सुमित से बोला नहीं जाता, विमला से खाया नहीं जाता। इन वाक्यों में क्रिया का संबंध नहीं के भाव से है, इसलिए इसे भाववाच्य या भावी प्रयोग कहा जाता है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में अंतर, पहला है कर्मवाच्य में कर्म अवश्य रहता है परंतु भाववाच्य में वह कभी नहीं होता। दूसरा है कर्मवाच्य में जा का प्रयोग वैकल्पिक रूप से होता है जबकि भाववाच्य में इसका प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। जैसे नौकर दरवाज़ा खोल गया, कर्मवाच्य, कमला से गाया नहीं जाता, ये भाववाच्य। तीसरा है कर्मवाच्य की क्रिया सदैव सकर्मक होती है जबकि भाववाच्य में अकर्मक या सकर्मक क्रिया का अकर्मवत प्रयोग होता है। अगला है वाच्य परिवर्तन, उपयुक्त विवेचित वाक्यों में कर्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं से, कर्मवाच्य सकर्मक क्रियाओं से तथा भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं से ही बनते हैं। यहाँ कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य तथा भाववाच्य बनाने की विधियों पर अलग अलग विचार किया जाएगा। पहला है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं से ही बनते हैं, अतः कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय निम्नलिखित परिवर्तन करने होते हैं। क है
कर्तृवाच्य से मुख्य कर्ता के साथ से कभी कभी द्वारा विभक्ति जोड़कर उसे कर्णकारक बना दिया जाता है। जैसे लता लता से, मनीष ने मनीष से, मैंने मुझसे या मेरे द्वारा। ख है जा धातु के क्रिया रूप कर्मवाच्य की सामान्य भूतकालिक मुख्य क्रिया के लिंग वचन आदि के अनुसार जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया बना दिया जाता है। जैसे खाता है, खाया जाता है, घूमता हूँ, घूमा जाता है, लिख रहे थे, लिखे जा रहे थे। ग है कर्मवाच्य की क्रिया के लिंग वचन आदि वाक्य के कर्म के अनुसार कर दिए जाते हैं। कुछ उदाहरण है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के। कर्तृवाच्य मैंने पिताजी को पत्र लिख दिया है। सेठ जी नौकर को पैसे दे रहे हैं। नरेश मैदान में खेल रहे हैं। सुरेश फल लाएगा। अब ये है कर्मवाच्य के द्वारा पिता पत्र लिख दिया गया है। सेठ जी के द्वारा नौकर को पैसे दिए जाते हैं। नरेश से मैदान में खेला जा रहा है। सुरेश से फल लाए जाएंगे। अब अगला है कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं से ही बनते हैं, अर्थात उनमें कर्म नहीं होता। अतः कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि के नियम क तथा ख यहाँ भी पूरी तरह लागू होते हैं। वाक्य की क्रिया भाव को ही वाक्य का कर्ता बना दिया जाता है। जैसे पढ़ता है, पढ़ा जाता है, खेला, खेला गया, सोएगा, सोया जाएगा, सो रही है, रोया जा रहा है। कुछ उदाहरण है कर्तृवाच्य भाववाच्य। सचिन नहीं जाता भाववाच्य, सचिन से जाया नहीं जाता कर्तृवाच्य। वह गाता है, उससे गाया जाता है। मीरा नहीं खेलती, मीरा से नहीं खेला जाता। अब वाच्यों की पहचान। पहला है कर्ता बिना विभक्ति के होता है अथवा कर्ता के साथ ने विभक्ति है। कर्ता कर्मवाच्य। कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है। मुख्य क्रिया सकर्मक होती है और उसके साथ जाना क्रिया का लिंग वचन कालानुसार रूप जुड़ा होता है। जाना के उपयुक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। भाववाच्य कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह होता है। क्रिया अकर्मक होती है। क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग में होती है। हिंदी में वाच्यों का प्रयोग। हिंदी में अधिकतर कर्मवाच्य का ही प्रयोग होता है। जिन परिस्थितियों में कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग होता है वे इस प्रकार हैं। कर्मवाच्य का प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में होती है। पहला है क अधिकतर और सॉरी अधिकार गर्व या दर्प जताने के लिए उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। खर आदि को पेश किया जाए। यह हमें नहीं हमसे नहीं पिया जाता। ख जब वाक्य में कर्ता को प्रकट की आवश्यकता हो या कर्ता अज्ञात हो तो पहला है पत्र भेज दिया गया। दूसरा है धन पानी की तरह बहाया जा रहा है। तीसरा यहाँ किसी की बात नहीं सुनी जाती। ग जब कर्ता कोई सभा समाज या सरकार हो। क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाएगा। अनेक योजनाओं पर सरकार द्वारा प्रतिवर्ष धन खर्च किया जाता है। घ है कानून या कार्यालयों की भाषा में एक माह का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। कार्य कुशलता के लिए कर्मचारियों को सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। अन्य है असमर्थता बताने के लिए
अब तो पत्र नहीं लिखा जाता, आज देर तक नहीं बैठा जा सकेगा, गरीब का दुख मुझे नहीं देखा जाता। भाववाच्य के प्रयोग स्थल क है विवशता, असमर्थता व्यक्त करने के लिए या निषेधार्थ में भाववाच्य का प्रयोग होता है। इस जगह रात को कैसे बिताई जाएगी, मुझसे तो चला भी नहीं जाता, आज मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। ख है अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए, चलिए अब थोड़ा घुमा जाए, अब थोड़ा आराम।